तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका सर्किट डायग्राम। इसी के थ्रू ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फेज वायर की कंट्रोलिंग हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सिंगल पोल MCB से 95 टर्मिनल ओवरलोड के लिए लगा हुआ है और 96 टर्मिनल आपके स्टॉप पुश बटन पे गई हुई है और फिर वहीं से हमने एक लूप लेके स्टार्ट पुश बटन, और जैसा कि आपको पता है ड्यूएल स्टार्टर में हमने यहीं से कनेक्शन आपके मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में दिया हुआ है, ये देखिए आप। और दूसरा, ये आप दूसरी वायर देख पा रहे हैं, यहीं से मैंने लूप करके और ये आपके टाइमर पे कनेक्शन दे रखे हैं और इस साइड के सभी को लूप कर रखे हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि किसी एट ए एट टाइम पे हमारा एक ही कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी अगर दो कॉन्टेक्टर आपके होल्ड हो जाएंगे तो। और फ्रेंड्स, इसकी सर्किट के बारे में बहुत ही सिंपल मैंने बना रखा हुआ है। टाइमर से आपकी डेल्टा के लिए ये गई हुई वायर, जो कि इससे NC टर्मिनल से, एड ऑन ब्लॉक के NC टर्मिनल से निकल के इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाके लगी हुई है। सेम एज आप ये भी देख सकते हैं कि स्टार के लिए इसके NC से निकल के इसके A1 पे जाके लगी हुई है, ये ऐसे। तो एक बार इस सर्किट को स्टार्ट करके हम देखते हैं। MCV को ऑन कर लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा फुल ऐसे आएगा ये। फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस सर्किट में मैंने GIC कंपनी का टाइमर यूज किया हुआ है। ये स्पेशली स्टार डेल्टा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी डेल्टा में आपकी मोटर चल रही है। अब आपके कुछ इजी स्टेप के लिए मैं इसके एड ऑन ब्लॉक के ऊपर की क्लिप निकाल लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको ऑपरेट करके। तो चलिए अब हम दोबारा से ऑपरेट करते हैं। अभी सिस्टम बंद कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया कि जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में मेन कॉन्टेक्टर के साथ में स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड है एंड देन स्टार कॉन्टेक्टर अनहोल्ड होके आपका टाइमर के थ्रू डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के बारे में मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में कुछ अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।